आपका स्वागत है। मैं पूजा गंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, कोरोना मरीज मिलने के बाद लगा कर्फ्यू, परिवार के 6 लोगों की मौत पर रोया गांव, क्वारंटाइन उल्लंघन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, खाकरवाड़ा गांव में दी कोरोना ने दस्तक, जीरावल क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, प्रवासियों को 50,000 जमानत भराई जाएगी, प्रवासियों को प्रवेश देने से कतरा रहा प्रशासन, अबू रोड में दूसरा पॉजिटिव मिलने पर मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से, कोरोना मरीज मिलने के बाद लगा कर्फ्यू। लई कीमत की रिपोर्ट के अनुसार अबू रोड शहर में शुक्रवार को मुख्य अंबाजी मार्ग पर गुरुद्वारे के सामने स्थित एक महिला के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शहर के अधिकांश इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। वही प्रशासन द्वारा आम जन से घरों में रहकर सहयोग करने की अपील की जा रही है। कर्फ्यू के आज दूसरे दिन शहर में सन्नाटा दिखाई दिया। थाना अधिकारी अनिल विश्नोई ने बताया कि लुनियापुरा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अंबाजी रोड, सदर बाजार, गौसी मोहल्ला, आबकारी, केसरगंज, सिंधी कॉलोनी, पारसी चाल सहित मुख्य स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद कर दिया है। वही आवश्यक वस्तुओं के लिए हर वार्ड में कर्मचारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्यों को सप्लाई के लिए लगाया गया है। परिवार के 6 लोगों की मौत पर रोया गांव। मोहन देश प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती चढ़वाल में एक ही राजपुरोहित परिवार पर भगवान ने दुखों का पहाड़ इस कदर कहर बरपाया कि हर शख्स दिल पसीज गया। चढ़वाल निवासी गोविंद पुत्र भोमाजी राजपुरोहित परिवार के लिए शुक्रवार का दिन काल का ग्रास इस कदर बनकर आया जो पूरे परिवार की जिंदगी के अरमानों को कुछ चकनाचूर कर गया। यह दर्दनाक हादसा गांव के लोगों को एक बहुत बड़ा सदमा दे गया। जानकारी के अनुसार जिले के अबरोड सिटी के निकट किवरली के पास शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसे में गलत दिशा में इनोवा तेज रफ्तार ने सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई थी। इस दुखद घटना के बाद जब मृतकों के शव गांव आए तो इस गांव में हर कोई रोया एवं अंतिम संस्कार। क्वारंटाइन उल्लंघन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड अधिकारी आबू पर्वत के निर्देशानुसार इंसिडेंट कमांडर एवं विकास अधिकारी शैलेंद्र जोशी ने कोविड-19 के तहत होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के जांच की। देलदर एवं किवरली ग्राम पंचायत के विभिन्न घरों में जाकर होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को हिदायत दी एवं अंदर ही रहने हेतु निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान किवरली में राकेश कुमार घर की बालकनी से जागते हुए पाए जाने पर एवं ओम प्रकाश सोनी व गणपत पुरोहित दोनों घर पर नहीं पाए जाने के कारण इनके द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का उल्लंघन किया गया है। इसी प्रकार देलदर ग्राम पंचायत में मीनाक्षी को क्वारंटाइन किए जाने के बावजूद भीनमाल चली गई एवं आकाश सेन क्वारंटाइन किए जाने के बावजूद हेयर सैलून की दुकान पर काम करते हुए पाए गए। उक्त पांचों व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत ग्राम विकास अधिकारी को FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए। खाकरवाड़ा गांव में दी कोरोना ने दस्तक। माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले में कोरोना वैश्विक बीमारी ने दस्तक दी। सिरोही जिले के सिरोही तहसील, अबुरोड तहसील, रेडर तहसील और पिनवाड़ा तहसील के काचोली ग्राम पंचायत के खाकरवाड़ा गांव में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि हुई। पिनवाड़ा तहसील के खाकरवाड़ा गांव में एक प्रवासी मुंबई से अपने घर आया था, जिसकी चिकित्सा विभाग ने प्रवासी व्यक्ति जांच कर सैंपल लिया गया, जो पिनवाड़ा उपखंड अधिकारी दूधाराम चौधरी ने जांच के दौरान बताया कि खाकरवाड़ा गांव के व्यक्ति की कोरोना वायरस बीमारी की पॉजिटिव रिपोर्ट आने की पुष्टि की गई है। वही कोरोना बीमारी को देखते हुए खाकरवाड़ा गांव में देर शाम पिनवाड़ा तहसील प्रशासन का जाब्ता मौके पर पहुंचकर गांव में कर्फ्यू लगा दिया तथा गांव को चारों तरफ से सील कर दिया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर।
का किया निरीक्षण। पार्थ सिंह गोयल की रिपोर्ट के अनुसार रेवदर के समीप जीरावल जैन मंदिर स्थित क्वारंटाइन केंद्र पर नायब तहसीलदार मंगलाराम मीणा द्वारा निरीक्षण किया गया। साथ में चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा सैंपल लिए गए। डिबाणी में पॉजिटिव केस आने के बाद इनके परिजन में कुल 8 सदस्यों की ट्रेवल हिस्ट्री के अनुसार ग्राम पामेरा से कुल 6 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। क्वारंटाइन सेंटर में 20 लोगों को नायब तहसीलदार द्वारा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जीरावल पटवारी शंकरलाल प्रजापत, सरपंच कांतिलाल कोहली, उप सरपंच मग सिंह चौहान, वार्ड पंच नारायण लाल चौधरी व कई कर्मचारी उपस्थित थे। प्रवासियों को 50,000 जमानत भराई जाएगी। मोहनदेस प्रेमी की रिपोर्ट के अनुसार जावल उपखंड अधिकारी के निर्देशानुसार कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीईओ नारायण पुरोहित की अध्यक्षता में कोविड-19 के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें घर से बाहर निकलने वाले प्रवासियों से 50,000 का जमानत भरवाने का निर्णय लिया गया। पीईओ पुरोहित ने बताया कि शिक्षा विभाग, पंचायत प्रशासन व चिकित्सा विभाग के समन्वय से शिक्षक व वार्ड पंच के माध्यम से भराया जाएगा। चिकित्सा विभाग द्वारा सर्वे के साथ वितरण किया जाएगा। जिला कार्यालय से प्राप्त प्रवासियों की सूची जो चयनित कर भेजी है, उन्हें भी घरों में जाकर पाबंद किया जाएगा। इस अवसर पर डॉक्टर विक्रम सिंह बारड़, सरपंच विक्रम राणा, ग्राम विकास अधिकारी नारायण राणा, शिक्षक कमलेश डिंगर समेत सतर्कता निगरानी कमेटी के सदस्य उपस्थित। प्रवासियों को प्रवेश देने से कतरा रहा प्रशासन। किशोर आर्य की रिपोर्ट के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आए श्रमिक प्रवासियों को पाली प्रशासन ने सुमेरपुर क्षेत्र में नहीं आने देने के लिए पूर्व राज्य मार्ग नीलकंठ महादेव के बाहर रोका गया। सिरोही जिला प्रशासन ने सिरगंज उपखंड अधिकारी सहित पालिका ईओ ने मान्यता दिखाई, शहर के टाउन हॉल में उनके खाने पीने व रहने की व्यवस्था की। वही मुश्किल से अपनी जान जोखिम में लिए क्षेत्र के श्रमिक प्रवासी यहां तक पहुंचे, लेकिन प्रशासन इनकी तरफ नहीं देख रहा है। आबू रोड में दूसरा पॉजिटिव मरीज मिलने पर मचा हड़कंप। लईक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सोमवार को जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश परमार ने बताया कि जिले में 1 आबू रोड व 3 जोमोत्रा में पॉजिटिव मिलने के साथ जिले में अब 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। वही आबू रोड में मिले दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज गत 2 दिन पूर्व किवली में हुए भीषण सड़क हादसे में घायल हुआ इनोवा कार चालक निकला। प्रभारी ने बताया कि इनोवा कार चालक युवक मुंबई निवासी था, जो कि जोधपुर में यात्रियों को छोड़ने के बाद पुनः मुंबई लौट रहा था। उसी दौरान आबू रोड के निकट किवली नेशनल हाईवे पर 2 कारों के टक्कर हो गई थी, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसी में से यह कार चालक था, जिसका सैंपल लिया गया था और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय खबरों फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।